मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही सूबे के विकास का लंबा चौड़ा दावा करती हो, लेकिन प्रदेश में आज भी ऐसे कई ग्रामीण इलाके हैं जहां ग्रामीण सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बैतूल जिले की भैंसदेही में सामने आया, जहां जल संकट से परेशान महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की। भैंसदेही विकास खंड की ग्राम पंचायत गोरी गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में जनपद और एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने सड़क, पानी और बिजली की समस्या के निराकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव में पानी की समस्या 15 वर्षों से है, किंतु समस्या का निराकरण करने वाला कोई नहीं है। कई बार पंचायत में आवेदन दिए गए, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गाँव में सचिव, सरपंच, एजेंसी द्वारा 3 साल पहले बनाए गए शौचालय भी खंडर हो चुके हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने महिलाओं का शिकायती आवेदन लेकर जल्द ही जल संकट की समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। नाम आपका? श्रीमती छाया लिखित कर। कौन से ग्राम पंचायत में रहते हैं आप? गोरेगांव। क्या समस्या आपके ग्राम में? सर, मेरे गांव में 15 साल हो गए पानी की समस्या है, रोड नहीं है हमारे मोहल्ले में, नालियां नहीं है हमारे मोहल्ले में, और जितनी भी दीदियां रोजगार गारंटी के काम पर गई थी उन लोगों के एक एक महीने के 15-15 दिन के पेमेंट रुके हुए है। शौचालय नहीं है, इसके बारे में हमारी ग्राम सभा, ग्राम संगठन की मीटिंग करने के लिए भवन नहीं है। इसके लिए आपने कुछ आवेदन या कहीं? जी कुछ सर, एक साल हो गया आवेदन देने के लिए, उसके बाद में ग्राम सभा लगी हुई नहीं हमारे गांव में। पानी की समस्या कब से है आपके यहाँ पर? 15 साल हो गए सर। 15 साल हो गए जी। तो सचिव सरपंच ने कुछ? सचिव सरपंच को बोलने जाओ तो 15 दिन पानी दे देते हैं, फिर बंद कर देते हैं कोई शिकायत करो तो। अच्छा, और शौचालय की समस्या से आप बताओ? सबसे ज्यादा तो हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या, दो दो सरकारी ट्यूबवेल रहने के बाद भी नहीं दे रहे हमारे इधर पानी, दो दो पाइपलाइन भी की है फिर भी पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं दे रहे? तो दो दो पाइप लाइन के बाद भी नहीं दे रहे सर। कौन नहीं दे रहे हैं? सरपंच भी नहीं बोलते सर, ना कोई नहीं दे रहे। और शौचालय पूरे गांव में बने हैं? पूरे गांव में भी नहीं बने हैं सर, किसी किसी के घर बनवा दिए हैं, किसी किसी के घर बनवाए भी नहीं है, और बनवाए वाले भी बंद है सर, और बनवाए वाले भी पूरे बंद पड़े हैं। सड़क के बारे में बता रहे थे आप? जी सर। सड़क की क्या? सड़क भी बनवाई थी सर, 8-10 साल हो गए पहले, ऐसी गिट्टी बगर गई है जैसे बच्चे बच्चे कोई गिर जाते हैं तो कहीं। सर बताइए, आज इतनी सारी महिलाएं तहसील में आई है, क्या कारण है, क्या वजह है? ये गोरेगांव की महिलाएं हैं जी, पानी की समस्याओं के संबंध में आई हैं, अलग अलग मोहल्लों में कह रही हैं, किसी मोहल्ले में पानी है, किसी में नहीं है ट्यूबवेल वगैरह में जी, और संबंधित विभाग को भेज करके बात करते हैं। सर उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की है, सड़क की है, शौचालय की है, तो उसके लिए अब संबंधित विभागों से भी जाना पड़ेगा, उनको भी संपर्क करना पड़ेगा जी। हम लोग भी बोल देंगे ठीक है, किसी साहब से भी उनको मिलने के लिए। उनकी भी यही शिकायत है कि वहाँ जो शौचालय के ढक्कन बने हुए हैं उसके 250 रुपये वो लोग मांग रहे हैं सरपंच सचिव, और उनको अभी तक वो ढक्कन तक भी नहीं दे रहे हैं। तो इसकी शिकायत सीओ साहब से उनको करना चाहिए, बताना चाहिए। सर आपके द्वारा आज कुछ महिलाओं ने पानी की समस्या से लेकर अपनी समस्या बताइए, किस तरह से समाधान? हाँ, अभी उन्होंने संज्ञान में बात लाई है और उसके लिए उन्होंने अपना आवेदन दिया है कि हमारे कोरकू मोहल्ले में पानी नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि गौरी गाने में हो रहा है, तो पाइपलाइन ठीक करने के लिए अभी PHC से चर्चा हुई है। उन्होंने जीवन ज्योति योजना अंतर्गत पूरे गाँव को लिया है, जिसकी कार्य योजना भी वो सबमिट कर चुके हैं, फिर भी वो कल वो जाएंगे, वो देखेंगे तत्काल में क्या हो सकता है, तो उसमें पंचायत द्वारा PS करा के उसमें सुधार कार्य करवाया जाए। सर महिलाओं का कहना है कि उनके द्वारा नल टैक्स भी पेड कर दिए गए हैं, लेकिन तब भी पानी नहीं मिल रहा है, कुछ वार्डों में तो पानी दिया जा रहा है लेकिन उनके वार्डों में सप्लाई नहीं हो पा रही है, इनके द्वारा पंचायत द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं बनाना था इनके द्वारा बताया जा रहा है, उसकी हम वो रसीद इकट्ठा देखेंगे किसके द्वारा उसका टैक्स दिया जा रहा है, किसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उसके आधार पर इस बारे में हम। सर शौचालय को लेकर भी कुछ बातें हो रही है उनके द्वारा? सर शौचालय में हमारे यहाँ भी ऐसा जो दिया बताया कि 3-4 लोगों ने नाम लिखा है, जिसको हम दिखाएंगे, क्योंकि शौचालय में पात्रता जो सर्वे ऑनलाइन सर्वे में जो पात्रता रखता है उसी को शौचालय 12,000 की राशि का भुगतान किया जाता है, अगर पात्रता में नहीं होंगे तो इनको भुगतान नहीं होगा। सर रोड की भी समस्या बता रहे हैं कि रोड भी वहाँ बना था कुछ महीने पहले? नहीं, रोड तो सब दूर है, फिर भी अब वो तो काम 15 मिनट में होना ही है, जहाँ नहीं बना होगा एक साथ तो सभी दिन संभव नहीं है, फिर भी जहाँ अगर नहीं होगा वो 15 मिनट की कार्य योजना। शौचालय बने तो ढक्कन नहीं। कौन सी पंचायत में? घर
गोरेगांव पंचायत में, तो शौचालय बने उसमें ढक्कन नहीं है, उसको ढक्कन के लिए पैसे जमा करो फिर ढक्कन लीजिए। कौन बोल रहा है ऐसा पैसे जमा करने का? हाँ कितने पैसे जमा करने के लिए कह रहे हैं? हाँ 250 रुपये। तो फिर आपने किए नहीं किए? अब क्या कह रहे हो, कब तक देंगे? नहीं दिया, पैसा जमा करो फिर एक साल से ज्यादा हो गए सर, दो तीन साल। हाँ तो अभी रखकर नहीं दिया, और बढ़ती नहीं आता सर, तुम जाके देखे आते कैसे शौचालय बने हैं गोरेगांव। बहरहाल देखना होगा कि जल संकट और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होती है, ताकि उन्हें भी शहर की तरह सरपट सड़क और आसानी से पेयजल मिल सके। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।